हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरी वन। काफ़ी टाइम से मैं घर में ही थी, सुबह से कहीं निकली नहीं थी, तो मैंने सोचा कहीं निकलना चाहिए। एंड मैं आ गई थी NSP अपने फेवरेट प्लेस पे जो नियर बाय है, बट यहाँ आज वो वाइब नहीं मिल रही थी जो मुझे एक्चुअल चाहिए था। सो फिर उसके बाद मैंने प्लान करा कि यहाँ से निकल के गुड़गांव आते हैं, तो मैं यहाँ पर आ गई थी सेक्टर 20, एंड यहाँ की वाइब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। सो आप भी यहाँ पर ज़रूर आना। टू द क्लब इन गुड़गांव दैट इज़ इन सेक्टर 29। काफ़ी दिन हो चुका था, सो ये यहाँ का माहौल देखो आप, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो क्लब वाले गेटअप में बिल्कुल नहीं हूँ, बट ऐसे मन कर गया तो हम यहाँ पे आ गए हैं। सो चलो देखते हैं कहाँ जाते हैं। एक्चुअली यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखो गाइज, आज का डेकोरेशन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ही हो रखा है, एंड क्राउड आज कम है कंपैरेटिवली, बट है। I am entering to Elvino. Open 6 AM. And guys, ये Elvino मैं first time आई थी। यहाँ पे पहले माईबार था जिसकी जगह पे ओपन हुआ है, एंड ये बहुत ही अच्छा था, काफ़ी स्पेशियस था। तो मैंने माईबार यहाँ कभी भी एक्सप्लोर नहीं करा था, बट यहाँ की मुझे वाइब अच्छी लग रही थी। एंड रिपब्लिक डे था तो बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था, एंड यहाँ पे जितना हम गैदरिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं था। बट येस, द बेस्ट पार्ट इज़ कि आजकल गुड़गांव सेक्टर 29 के भी सारे क्लब्स मॉर्निंग 6 AM तक ऑपरेट करते हैं, सो दैट वॉज अ गुड थिंग। एंड यहाँ की म्यूज़िक अच्छी थी, DJ वॉज रनिंग रियली वेल, एंड आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस। एंड ये जो था ये अंडरग्राउंड में था, सो अंडरग्राउंड क्लब में पार्टी करने का मज़ा कुछ और होता है, बट इतनी क्राउड ही नहीं थी सो आप पार्टी क्या ही करोगे। बट यहाँ का स्पेस, सिटिंग अरेंजमेंट्स, ये सारे बहुत ही अच्छे लगे मेरे को। मैंने फर्स्ट टाइम विजिट करा था, एंड फर्स्ट टाइम ही मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दिया। एंड इतनी ठंड हो रही थी दिल्ली में, सो यहाँ पे ठंड भी नहीं लग रही थी, सो हमने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करा। आई एम टेलिंग यू, लिटरली आई स्पेंड हियर अराउंड 5 आवर्स। पहली बार किसी क्लब में जहाँ पे इतनी गैदरिंग नहीं भी थी, फिर भी मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करा, म्यूज़िक को इन्जॉय करा। एंड ये थी यहाँ की फूड मेन्यू जो कि काफ़ी अच्छी थी, यहाँ खाना अच्छा है, लेकिन मैंने यहाँ पे मेनली वेजिटेरियन फूड ट्राई करा, एंड फ़िश भी ट्राई करा था, सो दैट वॉज़ ऑल्सो गुड। एंड यहाँ की म्यूज़िक तो लिट थी, बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग थी, DJ वॉज रियली सो गुड। सो मैंने काफ़ी म्यूज़िक पे इन्जॉय करा, एंड गैदरिंग नहीं भी थी, बट इसमें क्या होता है गाइज, आप खुद में भी इन्जॉय कर सकते हो जो मैंने करा। एंड यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम के बाद अपना फेवरेट रेड वाइन ट्राई करा, एंड यहाँ पे मैंने अमृतसरी फ़िश भी खाया। दो मैं इतना ज़्यादा फ़िश पसंद नहीं करती बाहर खाना, बट यहाँ पे हमने वेज में दही कबाब भी ट्राई करा था, दैट वाज इवन गुड। एंड काफ़ी सारा आइटम ट्राई करा था, पोटैटो चिलीज एंड ऑल, एंड फ़िश तो मेरा फेवरेट है सो मैंने बहुत सारा खाया। पोटैटो चिली वाज आल्सो गुड, एंड ये मेरा मॉकटेल, एंड यस मॉकटेल थोड़ा सा मीठा था, बट यस दैट्स ओके, इतना चल सकता है। एंड ये पार्टी आर स्टार्ट। So guys, इनका ये वाला भी एरिया है जहाँ पे यू कैन सिट एंड एंजॉय। तो अभी बहुत लेट हो चुका है, सो नोबडी इज देयर। ओके, सो चलो गाइस, दिस वाज अबाउट रिपब्लिक डे, एंड दिस इज हाउ आई सेलिब्रेटेड माय रिपब्लिक डे।
सो निकलते हैं यहाँ से, इट्स ऑलरेडी सो लेट, सो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ एंड इट्स वेरी लेट नाउ, आई हैव टू गो होम, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लव यू ऑल, हैप्पी रिपब्लिक डे वंस।